बहुत से बयान लोगों ने बहुत खुशी के साथ एक्सेप्ट किए मगर हाँ स्टेट पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो जो हमारी लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ जो ने बयान दिए हैं कुछ खुशी वाले नहीं थे ना खुशगवार थे और अगर हम स्पेसिफिकली स्टेट की पुरानी पार्टीज की बात करें तो पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको बहुत डायरेक्टली टारगेट किया गया कांग्रेस को डायरेक्टली टारगेट किया गया और आने वाली पार्टीज को भी थोड़ा सा वार्निंग अप हैंड दे दिया गया कि बीजेपी की पॉलिसी क्या है और आपकी पॉलिसीज़ क्या थी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए नासिर मकदम है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त ने ने भी आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए नासिर हमने जिस दिन होम मिनिस्टर साहब की विजिट हुई तकरीबन सब पार्टीज को अपने साथ यहाँ पे आ, मुबैसे के लिए जोड़ा और उनके जो उनकी जो उनकी सोच है या उनने जिस तरह से होम मिनिस्टर के बयान को एक्सेप्ट किया या डिनाई किया उस पर चर्चा की नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ मसरूफ रही और उनसे बात नहीं हो पाई आज आपसे उनके बयान की रोशनी में पहले तो जानना चाहेंगे इफ दैट बयान हिज दैट स्टेटमेंट ऑफ हिज इज एक्सेप्टेबल नॉन एक्सेप्टेबल टू वट एक्सटेंट इन ईदर केस पहले में वो बयान चलाना चाहूंगी आप और फारूख साहब दोनों देख लीजिए हमने क्या दिया है? इसका मैं हिसाब देता हूँ मगर पचहत्तर साल तक आपके तीन परिवारों ने यहाँ शासन किया उन्होंने क्या दिया उसका हिसाब जरा बाद में करना पहले कश्मीर के अंदर जमूरत की व्याख्या थी तीन परिवार सतासी विधायक और छह सांसद और आज मोदी जी ने पांच अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में जमूरियत को जमीन तक गांव तक पहुंचाने का काम किया है और आज घाटी और जम्मू दोनों क्षेत्र में तीस हजार से ज्यादा लोग पंचायत तहसील पंचायत अब तक 370 जाने के पहले सतासी विधायक छह सांसद और तीन परिवार था पहले मुक्ति परिवार अब्दुल्ला परिवार और गांधी परिवार और अब मोदी जी ने लोकतंत्र को गांव के पंच सरपंच बीडीसी और जिला पंचायत तक पहुंचाकर 30,000 लोगों को जोड़ने का काम किया है मित्रों 30,000 हजार लोग नासिर वानी साहब आपने हमारे होम मिनिस्टर का बयान सुना और आई एम श्योर जो भी उनने कहा है बहुत डायरेक्टली बयान दिया है ओपन प्लेटफॉर्म पे बहुत से लोगों के सामने जिस तरह से उनने आ, मजम्मत की है पिछले पचहत्तर सालों में जो हमारी स्टेट स्टेट और अब यूनियन के हालात को को लेके आप इस बयान किस तरह से देखते हैं? देखिए है है। अपना एक रोल रहा है इस में, वो लोगों के सामने बिल्कुल अह है उन्होंने कहा पचहत्तर साल में कुछ नहीं हुआ एक आपको शायद पता चला होगा पिछले दिनों हमने वो बाब्ता एक बेवरा दिया कि पूरा आज़ादी से लेके आज तक क्या क्या काम यहाँ हुए किस किस शोबे में तरक्की हुई कैसे लोगों के जो है मुश्किल को हल करने की कोशिश की उसका एक पूरा खुलासा हमने दिया एक एक चीज़ का और हकीकत की बिना फिर दिया वो बात अपनी जगह है लेकिन सियासी तौर पर मैं आपसे कहूँ इन सब चीज़ों का जो फैसला करना है वो यहाँ की आवाम को करना है यह आवाम की अदालत में जाएगा वो बेहतर जज हैं कि किन्होंने उन, उनके काम किए हैं कौन उनके साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं ये फैसला करने का मजाज जो है यहाँ की आवाम को है तो बेहतर होगा कि अगर वो ये हक अवाम को ही दे क्यों नहीं आवाम की अदालत में ले चलते हैं इस आ, 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 सारे किस्से को और उनकी सारी इस जो उनका अपना नेरेटिव है और यहाँ इलेक्शन कराएं इलेक्शन कराने से ये आ, साबित हो जाएगा कि लोग किसके साथ जुड़े हुए हैं और आ, आ, कहाँ उनकी लॉयल्टी रही है और कहाँ उनसे जो आ, वादे किए गए हैं उनका आ, आ, उनको पूरा भी किया गया है नहीं किया गया है ये सब चीजें जो है मेरे हिसाब से सियासी तौर पे अवी अदालत में लाना बड़ा जरूरी है और आ, मेरी हमारी तो गुजारिश होगी कि ये फैसला हम यहाँ की अवाम की दानिश तक ही छोड़ें जी बिल्कुल एक और कंट्रोवर्सी क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के सियासत की जब भी बात करते हैं साथ में जुड़ के आती है चाहे फैसला फायदे का हो नुकसान का हो नॉन वोटर्स राइट को लेके एक मुद्दा उठा था इलेक्शन कमीशन ने उसमें बयान दिया कि हमने जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग है वो गलत है नॉन वोटर्स आउटसाइडर्स नहीं होंगे नॉन वोटर्स वो है जो मेजोरिटी की एज पे आए हैं जो एलिजिबल हुए हैं इस साल इस इस इलेक्ट्रल कमीशन के आ, वोटर लिस्ट के हिसाब से वो होंगे न्यू वोटर्स शायद से ये ऑर्डर कल आया और फिर विद्रॉ हुआ एग्जैक्टली exactly कंफर्मेशन नहीं है उसके बारे में आप क्या कहेंगे आपने ऑल पार्टीज मीटिंग भी बात की आपने इलेक्शन कमिश्नर से भी बात की सो आप उनके जवाब से मुतमिन नहीं है या ये कंट्रोवर्सी बना के रखने का एक मुद्दा है कि बात करते रहो वो चाहे कंट्रोवर्सी बनाना चाहे या उनका अपना क्या लाए अमल होगा उनकी अपनी क्या प्लानिंग होगी वो अपनी जगह लेकिन वो अपने ही जो है कंडक्ट से इस चीज को जो है वो वो बिल्कुल सही साबित कर देते हैं कि कहीं कहीं उनके जो है मिजाज में उनके जहन में ऐसी कोई बात है जो जिससे यहाँ के इलेक्शन प्रोसेस को मुतासर करना मतलू है आपने देखा होगा दो दिन पहले एक ऑर्डर निकला और कल उसको खुद ही विड्रा किया गया तो हमने जब उसकी बात की इनको भी लगा कि जो उन्होंने ये कदम उठाया ये गलत है और हकीकती तौर पे गलत है यहाँ का जो फैसला करना वोट डालने का हक यहाँ के जो है बाशिंदे को ही मिलना चाहिए हर रियासत में वही है अब आप कह रहे हैं जी कि नए वोटर ऐड होंगे उसका एक प्रोसेस होता है अपने जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ उनके जो वोट है उसकी क्या नवीयत रहती है और क्या वहाँ वो वोट अपना कैंसिल करके यहाँ आ रहे हैं अगर वो कैंसिल करके यहाँ आ रहे हैं तो उसकी तस्दीक कौन करता है और यहाँ समर सम्रहली ना उनकी रेजिडेंस का कोई पूछने वाला है ना वो यहाँ कितनी देर से रहे वो पूछने वाला है न डोमिसाइल का उसमें कोई इन्होंने जिक्र किया है तो इन सब चीज़ों से ये खुद ही खदशात को जो है यहाँ ज़्यादा वसूत देते हैं और लोगों के जहन में ये बात आती है कि शायद इनके जहन में कुछ ऐसा हो कि यहाँ के इलेक्शन को किस तरह मुतासर किया जाए जी इलेक्शंस क्योंकि सुनने में आया है कि शायद अनकरीब हो जाए जल्दी हो जाए लोगों में बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसमें ये भी कहते शायद एनसी विल हैंड्स विद आप इस, बात के बारे में, इस, इस चर्चा के बारे में अभी इलेक्शंस हुए नहीं कोई शेड्यूल आया नहीं कोई कैलेंडर हमारे पास नहीं है तो इन सब चीज़ों पे बात करना ही मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा जब वो वक्त आएगा तो पार्टी की जो है लीडरान जो फैसला करेंगे उस पर उसको ज़मीनी सतह पे हम हम लाएंगे आप प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं हाइपोथेटिकली है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है फॉर पीपल्स इंटरेस्ट फॉर लार्जर पिक्चर विल यू अग्री टू शेक जॉइनिंग हैंड्स विद योर ऑपोजिशन आई थिंक इट इज नॉट प्रॉपर फॉर मी टू आंसर इन अ हाइपोथेटिकल मैनर ऐसे so ही जवाब दे दूँ कि जो कल को सही साबित ना हो इन सब चीजों का फैसला एक आला जो है लेवल पे होता है और उसमें जो हमारे वो तो फैसला लेंगे और एक बाबा उसका एक लाहे अमल है उसके बाद मैं आपको कुछ बता पाऊंगा जी पीएजीडी में भी आपकी पार्टी और बाकी की पार्टी जो है एक साथ जुड़कर आई है जम्मू कश्मीर के आवाम का इंटरेस्ट अभी इस वक्त क्या स्टैंड है देखिये अभी भी वही है एक कॉमन कॉज है जो हम सारे लोग उस वक्त जुड़े एक कॉमन कॉज था कि जो, 2019 में हमसे छीना गया उसकी वापसी का कैसे लाहे अमल बनाया जाए कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली पॉलिटिकली कैसे उस चीज के बारे में एक रहा अमल तैयार किया गया था और क्या, उसको कैसे आगे लिया जाए वो कॉमन कॉज आज भी है जी. एक और सवाल आ, मेरे ज़हन में आ रहा है कि कुछ देर पहले तक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का जो हॉलीडे था हमारी स्टेट में वो कैंसिल कर दिया गया रीजन ये देते हैं कि बहुत सारे नॉन वर्किंग डे बहुत सारे हॉलीडेज हैं बहुत सारी छुट्टियां बन रही हैं हमारे पास फंक्शनल डेज कम आते हैं कैलेंडर पे वर्किंग डेज कम आते हैं कैलेंडर पे और हाल ही में श्री महाराजा हरि सिंह जी का बर्थडे जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है हाउ डू यू सी दैट क्या शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इतने पेट्रियाटिक नहीं थे जितने कि हरी सिंह जी थे ये बात तो इनको इनसे पूछनी चाहिए क्या शेर कश्मीर का रोल इस रियासत में और इस मुल्क में ऐसा अहम नहीं था कि उनकी छुट्टी और उनकी उन जो है जो उनका उस वक़्त लोगों के साथ रबता रहा है लोगों की जो उन्होंने मुश्किलात हल की हैं इस रियासत को जो आगे आज जिस, जिस सतह पे ला रहे हैं क्या ये उनकी देन नहीं है क्या यहाँ उन्होंने लैंड टू टिलर नहीं किया उस वक्त जिससे पूरा ही निज़ाम बदल गया क्या यहाँ एजुकेशन सिस्टम को उस वक्त फ्री करके उन्होंने हमको वो तालीम लेने की पोजीशन तक लाया जिससे आज हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल कर सकते हैं क्या उनका वो रोल नहीं था वो एक्सेप्ट करना या ना करना वो सवाल आप उनसे पूछे अब रही बात इन्होंने महाराजा हरि सिंह साहब की जो है छुट्टी डिक्लेयर की और शेर कश्मीर की काट दी इसमें आप भी वाजह तौर पे समझदार हैं आप भी समझते हैं ये एक सियासी फैसला है इसका अगर हकीकत पे वो जाए तो कोई जवाब बनता नहीं था और ये भी आप देख लीजिए एक तरफ से उनकी एजाज़ में छुट्टी अनाउंस करते हैं और दूसरी तरफ जो उनके फैसले थे इस रियासत के हक में जब इलाहा किया गया था और उस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई थी यहाँ कुछ तहफात दिए गए थे उनको विड्रा किया जा रहा है जी एक और बयान हमारे होम मिनिस्टर की तरफ से आता है कि रिजर्वेशन पिछले पचहत्तर सालों से सिर्फ जुमलेबाजी में हुई है रिजर्वेशन लोगों का हक हाँ है रिजर्वेशन नहीं मिलती है बट आज हमने रिजर्वेशन अनाउंस कर दी है पहाड़ी स्टेटस पे आपका क्या स्टैंड है देखिए जनाब हमारी सरकार ने हमारी पार्टी ने हमेशा ये इस बात की हिमायत की है कि सबको मिलना चाहिए और उस वक्त हुआ भी गलत था कि जब इनको उस इस दायरे से बाहर रखा गया था लेकिन इनका अब इसको एक इलेक्ट्रल प्लैंक बना के आगे लाना ये इससे क्या साबित करना चाहते हैं कि क्या यह हकीकत नहीं है कि डॉक्टर फारूक साहब ने उस वक़्त की वजीर अजम जो थी इंदिरा गांधी साहबा उनको कैबिनेट की तरफ से एक लेटर नहीं भेजा गया था कि आप क्यों कुछ तबकों को छोड़ रहे हैं उस वक्त इसी तरह कुछ लद्दाख के कुछ एरियाज में कुछ तबकों को छोड़ा गया था यहाँ पहाड़ियों को छोड़ा गया था आज इन दोनों को क्या ये जोड़ रहे हैं कि उनको आपस में लड़वाने की ये एक कोशिश है

अपना जो है एतमाद दिया है कुछ को तो आते ही बिल्कुल नजरअंदाज किया गया आजाद साहब भी आए हैं इस पॉलिटिकल अराना में तो अच्छी बात है देखेंगे आगे चल के क्या होता है जी वो पब्लिकली फारूक साहब की तारीफ करते हैं सपोर्ट करते हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बैकडोर एग्रीमेंट होने वाला है बैकडोर कोई एग्रीमेंट हुआ है या नहीं होने वाला है ये सब क्या आसार हैं लेकिन वो इतनी देर से इस मुल्क की सियासत में रहे हैं फारूक साहब से उनका ताल्लुक रहा है फारूक साहब ने भी उनकी वक्ता फवता काफ़ी मदद की है पोलिटिकली तो उस लिहाज में अगर उन उनको एहतराम है फारूक साहब का इसमें कोई और वजह या कोई और जो है मंशा इसके साथ मंसूख करने का कोई जवाब नहीं बनता मेरा मेरे जहनीत में तो यही सवाल आता है कि जब हमारे बीच में इतफाक कितना ज्यादा है फिर नई पार्टीज क्यों बनानी है वाई नॉट ये वन ये, 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 ये बात हमारे जहन में भी काफी दफा आई है और आवाम भी इस बारे में काफी सोच रही हैं कि यही हमारी ही रियासत में और खासकर बादी में ही इतने ज्यादा जो है सेटअप्स क्यों कायम किए जा रहे हैं क्या ये यहाँ के वोट को बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने का एक तो सिलसिला है क्या ये, भी, क्या ये भी इनकी एक एजेंडा का हिस्सा है जी या फिर ये किस्सा कुर्सी का कि लोगों को चेयर पे रहना है ऊपर पावर में पोजीशन रहना है इसलिए हर एक बंदा अपनी एक नई पार्टी बना रहा है ये सवाल मैंने सुना नहीं आपको दोबारा बोलना पड़ा क्योंकि इसमें बीच में एक जी आपको कॉल्स आ रहे हैं किस्सा कुर्सी का एक आम चर्चा एक आम यू नो एक एक सेंटेंस स्टेटमेंट दिया जाता है कि हर एक इंसान चाहता है कि मैं ही मुख्तार रहूं मेरी पार्टी अगर है तो मैं मुख्तार हूं मेरे चांसेस ज्यादा है लीडरशिप बनने के तो इज इट द डिवाइड बिटवीन बीइंग अ लीडर कि हमारे पास इतनी सारी पार्टीज बनती जा रही हैं नहीं लीडर्स का नहीं बेसिकली जो, हमको जो समझ आता है कि यहाँ के वोट को तकसीम करने की बात है लीडर्स को क्या तकसीम करेंगे लीडर्स तो लोगों से बनते हैं लोग जिनको एतमाद देते हैं वही लीडर बनते हैं लेकिन यहाँ के वोट को तकसीम करने की हमारी दानिश में ये कि एक ए, 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 एक एजेंडा का ये एक हिस्सा है जी एक और कंट्रोवर्सी 10 अक्टूबर को उठी है लिकर कंट्रोवर्सी या बियर कंट्रोवर्सी के नाम से जहां पे जम्मू कश्मीर लिकर लाइसेंस एंड सेल्स रूल्स 1984 और एक्साइज पॉलिसी 2023-24 में एक बियर एंड रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस आर अलाउड टू बी सोल्ड इन डिपार्टमेंटल स्टोर्स ये एक नया कंट्रोवर्सी है हमारी स्टेट में लोग जो हैं दारू बियर हो विस्की हो रम हो किसी भी टाइप का अल्कोहल जो है कंज्यूम करने के लिए थोड़ा सा एहतराम करते थे थोड़ी सी हिचकिचाहट थी अब ओपनली दे बी सोल्ड एट डिपार्टमेंटल स्टोर हाउ डू यू सी दिस आप ने खुद यहाँ जगह जगह देखा होगा हम भी काफी देर से इसमें कोशिश कर रहे हैं यहाँ नौजवान तबके में खासकर एडिक्शन का एक बहुत बड़ा जो है मुसीबत हम पे आई हुई है एक एक पीढ़ी हमारी मिलिटेंसी की वजह से बर्बाद हो गई दूसरी पीढ़ी को हम इस नशे की आदत में डालने की कोशिश करें तो यह कोई जायज बात नहीं है जगह जगह आप देख रहे हैं कि एडिक्शन कैंप्स लग रहे हैं उसके लिए अवेयरनेस हो रही है न सिर्फ शहरों में बल्कि गाँव के दूर दराज इलाकों तक भी मनशियात का इतना इस्तेमाल हो रहा है अब जब आप उनके लिए फ्री एक्सेस रखेंगे अल्कोहल के लिए तो क्या आप उनको इस पे एनकरेज कर रहे हैं इस सब की तरफ जाने के लिए उनको माइल कर रहे हैं और इसकी मुखालफत पूरी जो है हमारी जो यूटी है उसमें हो रही है मैंने पिछले जब से ये ऑर्डर आया है जम्मू से काफी लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग हर दूसरे दिन आए दिन देख रहे हैं ड्रग डी एडिक्शन कैंप्स चल रहे हैं रिहेबिलिटेशन कैंप्स चल रहे हैं सरकार एक तरफ से कोशिश कर रही है कि इन चीजों से लोग दूर रहे एक्सेस देना जो है वो थोड़ा लॉजिक समझ नहीं आ रहा वी आर ट्राइंग टू बूस्ट द इकोनॉमी बट लिकर इकॉनॉमी तो कितना फर्क पड़ेगा इतने बड़े मुल्क में और इतनी छोटी सी रियासत में कितना रेवेन्यू और ये जनरेट करेंगे इस छोटी चीज से लेकिन यहाँ की नौजवान पीढ़ी की जहन को ये किस तरफ माइल करेंगे इस कदम से ये इनको दोबारा सोचना चाहिए जी जाने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी हालांकि आपने इसके बारे में ऑलरेडी बात की है बट फिर भी Do you see elections coming anytime soon? लगता है आपको कि elections होंगे और जल्द होंगे? I mean, I am the last person to know about it. और ये सवाल मुझसे पूछना भी बिल्कुल बेजा है क्योंकि अब कोई हमारा ऐसा कोई information mechanism नहीं है कि हमको पता चल जाए. जब election का होगा तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको पता चलेगा तो हम भी आपसे ही उस पर जानकारी लेंगे कि क्या खबर आई है इलेक्शन कमीशन से लेकिन उम्मीद करते हैं कि क्योंकि यहाँ एक एलजी और एक आधा एडवाइजर और चंद अफसरान से इस यूटी को चलाना मुमकिन नहीं है यहाँ दूर दराज इलाके हैं कुछ इलाके तो इतने दूर दराज हैं वहाँ कोई आज तक इन अफसरान में से गया भी नहीं होगा ना इनको पता होगा और यहाँ पब्लिक रिप्रजेंटेटिव होना बहुत जरूरी है क्योंकि जमीनी सतह पर जो मुश्किल हैं उनका अजाला करने के लिए एक पब्लिक रिप्रजेंटेटिव का होना बहुत जरूरत है इस वक्त के माहौल में जी अगर होम मिनिस्टर का बयान तो अदरवाइज बोल रहा है वो ये कह रहे हैं कि जमीनी सतह पे हम लोगों ने जो इलेक्शंस करवा लिए हैं उससे हमें ग्रास रूट लेवल पे ज्यादा बेहतर तरीके से पता चल रहा है सो so, वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं हो जाएगा किस बारे में कंट्रोवर्शियल कोई पहली दफा यहाँ पंचायत नहीं बने कोई पहली दफा यहाँ लोकल बॉडीज के इलेक्शन नहीं हुए ये तो आपने भी देखा होगा आपके पास भी ये सारा डाटा है कोई पहली दफ़ा ये अगर है तो फिर तो वाकई तौर पे एक अजूबा है जो अचीव किया गया है अदर अगर आप यहाँ देखें हमेशा से जगह जगह पे एक्सेप्ट फ्यू ईयर्स जब मिलिटेंसी बिल्कुल उरूज पे थी उस वक्त को छोड़ के यहाँ पंचायत के एलेक्शन मुश्किल वक्त में भी हुए फारूक साहब ने जब छियानवे के बाद पंचायत के इलेक्शन किए उस वक्त के हालात आप देखिए फिर यहाँ लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए म्यूनिस्पल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए कोई नई बात नहीं है कि आज हम देख रहे हैं सब कुछ दो हजार के बाद को मनसूख करना ये कोई मतलब जायज बात तो है नहीं और आ, लोग ये सब कुछ समझते हैं जी सभी पार्टीज जो हैं कही कहीं ना कहीं इलेक्शंस की तैयारियों में लगी हुई हैं वो लोगों से इंटरक्ट कर रहे हैं पब्लिक रैलीज हो रही हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे है देखिये जनाब इलेक्शंस की तैयारी में तो अभी कोई लगा नहीं है लेकिन अवामी रही हमारा जायज है और बिल्कुल जार जारी है हम लोग लोगों से ज़मीनी सतह पे जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उनके साथ रबते में रखे हुए हैं हमारे लीडरान जाते हैं दूर दराज इलाके में जाते हैं अभी आपने देखा होगा डॉक्टर फारूक साहब इस उम्र में वन के दूर दराज इलाके तक गए वो यही है कि हम लोगों से राबता कभी छोड़ नहीं सकते और उससे हम उनकी मुश्किल देख सकते हैं और जहाँ तक हमसे मुमकिन हो सके इस आजकल के इस दौर में जितना भी हमसे मुमकिन हो सके हम कोशिश कर, करते हैं कि उनकी का कुछ अजाला हो सके आपका बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब हमें वक्त देने का हमसे इतने प्यार से आराम से बात करने का और अपना पक्ष अपना पॉइंट हमारे नाजरीन के सामने रखने का आ की पूरी टीम और नाजरीन की तरफ से तहे दिल से तहदार हैं बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया नाजरीन ये थे हमारे साथ जुड़े हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट नासिर साहब और ये बता रहे थे अपनी बजेगा कुछ पता नहीं है हम भी मुंतजिर हैं आप भी मुंतजिर है इनशाला देखेंगे कि कब सूरत बदलेंगे कब इलेक्शन अनाउंस होंगे और तब ये गहमा गहमी किस करवट किस रुख बदलेगी आज की ये कोशिश आपको कैसी लगी उसके बारे में हमें जरूर मैसेज करके बताइएगा हमारा आर एन ए का फेसबुक पेज है यूट्यूब है ट्विटर है वेबसाइट है आर एन ए कश्मीर ऑनलाइन डॉट कॉम या हमारा सिस्टर कंसर्न द कश्मीर क्लारियन वहां पे जाके भी आप मैसेज करिएगा और हमें बताते रहिए कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं और किसको और अपने साथ यहाँ पे जोड़ सकते हैं आपका फीडबैक हमेशा हमें बेहतर परफॉर्म करने के लिए एनकरेज करता है और कोशिश रहती है कि हम हर वक्त हर एक नए मौजू पे नए शख्स के साथ करंट अफेयर्स पे ही बात करें आपके इंटरेस्ट के लिए बात करें आपके फायदे के लिए बात करें आज के लिए इतना ही इल्तमा से दुआ अल्लाह हाफ़िज